हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए रेलवे के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम में कई एक बार 15-20 सालों से रिपीट हो रहे हैं। ये सारे प्रश्न हो सकता है आगे भी रिपीट हो, तो ऐसे वीडियो को मेरे चैनल पे देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को और भी प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको साइंस का और जीके का टॉपिक वाइज भी चैप्टर वाइज भी वीडियो मिलता है, और जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं ऐसे वीडियो एवरीडे मैं डालता हूँ। इसलिए मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टैनिन का प्रयोग किया जाता है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जीवाणु का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एहरेनबर्ग के द्वारा जीवाणु का नामकरण किया गया था। नामकरण याद रखिएगा, एहरेनबर्ग के द्वारा, विज्ञान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते रहिए, देखिए सारे सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विषाणु की खोज सर्वप्रथम इवान विस्की द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में खास करके ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1892 ईस्वी में इवान विस्की ने विषाणु यानी वायरस की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इनमें से कौन से जीवाणु लेग्यूमिनस कुल के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है जीवाणु है जो कि लेग्यूमिनस कुल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीवाणु होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है दोस्तों, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोनों यानी गोलाकार और कोकस सबसे छोटा जीवाणु होता है। क्वेश्चन नंबर छठा है, रेट्रोविषाणु किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RNA अनुवांशिक पदार्थ युक्त विषाणु, इसी को कहते हैं रेट्रोविषाणु। RNA अनुवांशिक पदार्थ युक्त विषाणु को रेट्रोविषाणु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सातवां देख लेते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुवेनहॉक। लुवेनहॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का पिता। और दोस्तों, जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग ने किया था, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बता दिया है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये आप लोग के एग्जाम में कई बार आया हो, सिकोया, जो कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा नहीं बोल रहा, सबसे ऊंचा पौधा है। क्वेश्चन नंबर नवा देख लेते हैं, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? देखे होंगे आप लोग, छतरी की तरह उग जाता है पेड़ के छाल में, लाइकेन उसको कहते हैं। वो उस लाइकन को क्या कहते हैं जो कि पेड़ के छाल पे उगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्टिकॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकॉल्स। क्वेश्चन नंबर दसवां है, सूरजमुखी किस कुल का पौधा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपोजिटी पौधा है सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, टेरिडोफाइटा में जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजाणु के द्वारा टेरिडोफाइटा में जनन की क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? जो भोजन कवक में संचित होता है वह किस रूप में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोल्ड स्टोरेज में किस ताप पर सामग्री का संचयन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस। जहां फल और सब्जियां सालों साल तक रखी जाती है उसे कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है, और वहां का जो तापमान होता है -10 डिग्री सेल्सियस से
-18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, तरबूज किस कुल का पौधा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है तरबूज। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइकस को कहा जाता है जीवित जीवाश्म। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमेलिया लाइकेन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्गी की दवा बनाने के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। आज मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं। परमेलिया लाइकेन है जिसका प्रयोग किया जाता है मिर्गी का दवाई बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु यानी वायरस को कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है और इसका खोज 1892 ईस्वी में इवान विस्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां है, कॉलरा तथा तपेदिक यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है टीबी, तपेदिक के जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। कॉलरा और टपेदिक यानी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट कॉच। क्वेश्चन नंबर 20 है, एफ्लाविस किससे उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक से उत्पन्न होता है। किससे? कवक से एफ्लाविस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड निम्नलिखित में से दर्शाता है, क्या दर्शाता है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करना लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, एमीफिबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को एमीफिबिया वर्ग का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं, जो विषाणु जीवाणु का भोजन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मतलब जो भी विषाणु है यानी वायरस है जो कि जीवाणु का भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको मैं बता दूं कि लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था और लाइकेन जो है ये प्रदूषण का सूचक कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 25वां देख लेते हैं, पाश्चुरीकरण की कितनी विधियां हैं? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक, पाश्चुरीकरण की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 26, जंतु विषाणु में होता है, जंतु विषाणु में क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कभी आरएनए और कभी डीएनए होता है जंतु विषाणु में। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक बीजपत्री पौधे किस जगत के अंतर्गत आते हैं? एक बीजपत्री, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद कहा जाता है एक बीजपत्री पौधा को। ये एक बीजपत्री पौधे जो है ये पुष्पोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है, टीनिया पेडिस कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथलीट फुट। एथलीट फुट रोग जो होता है वो टीनिया पेडिस कवक के कारण होता है। आप लोग को पूछा जाता होगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि एथलीट फुट जो है वो किस कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। मगर कौन सा कवक के कारण होता है? वो टीनिया पेडिस कवक के कारण होता है, एथलीट फुट रोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, मॉस की कुल का पादप है, मॉस किस कुल का पादप है? यहां होना चाहिए किस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, मॉस किस कुल का पादप है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा,
ब्रायोफाइटा, मॉस जो है ब्रायोफाइटा कुल का पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवाणु जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, किस पादप के परागण के कारण पीले बादल बन जाते हैं? देखिए दोस्तों, बादल जो है पीला बन जाता है किस पादप के परागण के कारण? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइनस। पाइनस जो है एक पादप है, उसके परागण के कारण पीले बादल बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा थैलोफाइटा समूह का नहीं है? तो दोस्तों, थैलोफाइटा जो होता है जिसमें बीज और पुष्प नहीं पाए जाते हैं, उसे थैलोफाइटा कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु यानी वायरस जो है थैलोफाइटा समूह का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गेहूं का किट्टू रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गेहूं का किट्टू रोग, ये सब रोग जो है गेहूं का, चावल का, ये सब भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो गेहूं का किट्टू रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक के द्वारा। अधिकतर रोग जो होता है अन्न में वो कवक के द्वारा ही होता है, तो गेहूं में होता है किट्टू रोग, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुसंधान कार्यों में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग किया जाता है अनुसंधान कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाल्मी कुल से संबंधित कौन सा पौधा है? पाल्मी कुल से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपारी। आप लोग पान खाए होंगे, उसमें सुपारी होता है जो कि पाल्मी कुल से संबंधित पौधा है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल का प्रयोग किया जाता है आयोडीन को बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वायुमंडल की स्थिति के कारण से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो वायुमंडल की स्थिति के कारण से संबंधित है, जैसा वायुमंडल रहेगा वो अपने आप को डिपेंड कर लेता है, साइनोबैक्टीरिया उसी से संबंधित है, वायुमंडल की स्थिति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, लाइकेन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल और कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो देखिए दोस्तों, फाइकोलॉजी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। शैवाल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, पिछले बार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखते दोस्तों, शैवाल के अध्ययन पढ़ लिए, कवक के अध्ययन पढ़ लिए, अब लाइकेन का आया, लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइकेन के अध्ययन को लाइकनोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है किसको? कवक के अध्ययन को। अब फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55%। मानव रक्त में 55% प्लाज्मा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए VVI है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आपका इस वीडियो का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए एवरीडे मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटा का आएगा निशान, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं रोज वीडियो डालता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, अपने आप को बचाए रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।